क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ओपन इंटरवल 0,1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x टू द पावर n बी में दिया गया है n by nx plus 1 सी पर दिया गया है x by nx plus 1 एंड डी पर दिया गया है 1 by nx plus 1 चलिए देखते हैं पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं x टू द पावर n fx equals to x to the power n and x क्या है x belongs to open interval 0,1 क्या ये function fx equals to x to the power n uniformly convergent होगा इस interval पर देखो ये जो option a वाला function है x to the power n and जो interval है open interval 0,1 इसे मैं बहुत अच्छी तरह समझा दिया हूँ आपको और उसका लिंक भी पिछले वीडियो में मैं आपको समझा दिया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके तो यहाँ पर देखते हैं पहले पहले हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करना है इसके बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखेंगे अगर पॉइंट वाइज होता होगा अगर पॉइंट वाइज नहीं होगा तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा तो पहले पॉइंट वाइज देखते हैं ठीक है इसे एफ एन एक्स ले लो तो देखो यहाँ से एफ एक्स क्या निकलेगा एफ एक्स को हम एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इसे हमने एफ एक्स नाम दिया ठीक है एफ एन एक्स क्या है एक्स टू द पावर एन एंड एक्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0,1 पर तो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जीरो हो जाएगा ओके अच्छा तो ये पर फाइनाइट वैल्यू मिला है हमें तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा अब देखते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है ना उसका हम सुप्रीम लेंगे किस इंटरवल पर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 पर ओके इसे नाम दे दो एम एन कैपिटल एम एन तो दिस इक्वल्स टू supremum of x belongs to open interval 0,1 mod x to the power n minus 0 ओके तो देखो तो यहाँ पर supremum क्या होगा x to the power n है ठीक है x to the power n का supremum क्या होगा इसका highest value क्या होगा जब x equals to 1 हो जाए तो तभी होगा तो supremum जो होगा वो होगा 1 दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो अगर एम एन जीरो आता है तभी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा नाइदर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा ओके तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है दिस इंप्लाइज ये जो है एफ एन एक्स इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओके तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट ट्रू देखो ये ऑप्शन नंबर ए को ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए ये इंटरवल लेकर कुछ भी मतलब आपको आपको अच्छे से जानने के लिए आप ना पिछला वीडियो देखो देखो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एफ एन एक्स इक्वल्स टू दिस तो पहले हम एफ एक्स को फाइंड करते हैं एफ एक्स क्या होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या है एम बाई एन एक्स प्लस वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी देखो एन को हम एन को डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे एन एन से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा वन एंड यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वन बाई एन ओके देखो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जीरो हो जाएगा तो रहेगा क्या वन बाई एक्स ओके अच्छा अब एम एन क्या होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स क्या है एन बाई एन एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स क्या है वन बाई एक्स ओके अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या है सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 मॉड ये इसे करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस वन बाई एक्स इंटू एन एक्स प्लस वन ओके देखो माइनस है तो मॉड देने का मॉड है तो माइनस देने का कोई सवाल ही नहीं उठता माइनस को हटा दो ठीक है अच्छा तो एक्स कहाँ पर है ओपन इंटरवल 0,1 पर ठीक है तो देखो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा जब एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ये जो
फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। देखो सी में दिया गया है ये फंक्शन, तो पहले fx फाइंड करते हैं, fx जो होगा लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी पर fnx, fnx क्या है x by nx plus 1 एट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये क्या होगा 0 है, तो फाइनाइट मिल गया है हमें। अब mn देखना है, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 नॉट fnx, fnx क्या है x by nx plus 1 minus fx, fx है 0, ओके तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 नॉट, यहाँ पर नॉट देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि x जो है वो सॉरी वो पॉजिटिव है, 1 बाई n प्लस 1 बाई x इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। अच्छा मॉड दे दो, ये पर मॉड देंगे या ना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये सुप्रीम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो 1 बाई x है वो छोटा हो जाए, ठीक है ये छोटा कब होगा, ये सबसे छोटा कब होगा जब x सबसे बड़ा होगा, x का हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1, जब x इक्वल टू 1 हो जाए तब ये छोटा होगा सॉरी ये मैक्सिमम हो जाएगा, 1 बाई एम प्लस 1 बाई एक्स ये मैक्सिमम होगा जब x इक्वल टू 1 होगा, तो इसका सुप्रीम वैल्यू होगा एम प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब देखो एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एम एन कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो सॉरी हाँ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जीरो पर टेंड कर रहा है, ठीक है तो जीरो पर टेंड कर रहा है तब तो ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। तो डी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी हम दिखा देते हैं आपको, सॉरी एक्स नहीं, वन बाई एन एक्स प्लस वन एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एफ एन एक्स इक्वल्स टू होगा जीरो, तो यहाँ पर एम एन क्या होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 नॉट एफ एन एक्स क्या है 1 बाई एन एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स क्या है 0, ओके अच्छा तो देखो इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा जब एक्स छोटा हो जाए, ओके एक्स जितना छोटा होगा तो इसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, इसका वैल्यू उतना ही उसका उतना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसके एक्स का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, मान लो एक्स का जो इन्फिमम है वो हमें लेना पड़ेगा, एक्स का इन्फिमम क्या होगा जीरो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा एन इंटू जीरो मतलब जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, ठीक है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो वन बाई एन एक्स प्लस वन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में हमें दिया गया है एन इक्वल्स टू वन बाई थ्री टू द पावर एन इफ एन इज प्राइम एंड वन बाई फोर टू द पावर एन इफ एन इज नॉट प्राइम, तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, ओके चल देखते हैं। मान लो जो जब एन इक्वल्स टू वन बाई थ्री टू द पावर एन है तब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर वन, ठीक है तो वन बाई आर वन क्या होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड एन होल टू द पावर वन बाई एन, ओके ठीक है अच्छा तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन क्या है वन बाई थ्री टू द पावर एन होल टू द पावर वन बाई एन, तो दिस इक्वल्स टू वन बाई थ्री आ रहा है, एंड जब एन इक्वल्स टू वन बाई फोर टू द पावर एन तब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो आर टू है, तो वन बाई आर टू इक्वल्स टू होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड एन होल टू द पावर वन बाई एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई फोर टू द पावर एन होल टू द पावर वन बाई एन, यहाँ से क्या आएगा वन बाई फोर, ठीक है अच्छा तो अब देखो हमें इसका एन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, वन बाई थ्री टू द पावर एन का मिला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर आर क्या होगा आर वन है थ्री एंड यहाँ पर आर टू क्या होगा फोर, ठीक है अच्छा
an का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मान लो an का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r, तो r जो होगा वो होगा मिनिमम ऑफ r1 कॉमा r2, ओके, तो मिनिमम ऑफ 3 कॉमा 4 इक्वल्स टू क्या होगा 3, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, उसका हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करना है, ओके देखो ये सीक्वेंस हमें दिया गया है, तो हम इसे हम इस तरह से लिखेंगे, देखो ये मान लो 1 है, 1 इसके बाद क्या है हाफ एंड 1/4 3/4, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, उन दोनों को हम एक रो पर लिखेंगे। इसके बाद है 1/8 3/8 5/8 7/8, ओके इसके बाद क्या है 1/16 3/16 5/16 7/16, इसके बाद आएगा 9/16 एंड इसके बाद आएगा 11/16 13/16 एंड इसके बाद आएगा 15/16, ओके एंड इस तरह से कंटिन्यू चलता ही जाएगा, ओके इस तरह से कंटिन्यू चलता ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था 1, इसके बाद हाफ थोड़ा छोटा हुआ, इसके बाद 1/4 और छोटा हुआ, 1/8 और छोटा हुआ, 1/16 और छोटा हुआ, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जब इन्फिनिटी तक हम जाएंगे तब ये जीरो पर टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर 1 है, हाफ है 3/4, इसके बाद 7/8, इसके बाद 15/16, ऐसा चलता ही जाएगा, ओके तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 31/32, इसके बाद 63/64, तो जब हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1, ठीक है, जब हम इन्फिनिटी तक जाएंगे ये आएगा 1, यहाँ पर आया 0 एंड यहाँ पर आया 1 एंड ये देखो जब हम इन्फिनिटी तक टेंड करेंगे तब यहाँ पर 0 एंड 1 के बीच में सभी रैशनल नंबर्स आ जाएगा। एंड एक चीज़ हम जानते हैं कि दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स जो होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 0,1, तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक सीरीज दिया गया है, ए का किस वैल्यू के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, चलिए देखते हैं। एक काम करो इसे हम यू एन लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसे हमने यू एन लेट किया, देखो इसे हम ब्रेक करेंगे पहले, तो क्या आएगा 1/n माइनस टेन इनवर्स 1/n को हम टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है x माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 7/7, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा, ओके तो ये क्या आएगा 1/n माइनस 1/3n क्यूब प्लस 1/5n टू द पावर 5 माइनस 1/7n टू द पावर 7 प्लस कंटिन्यू, ओके अच्छा होल टू द पावर a। अब देखो यहाँ से 1/n कैंसिल, तो आएगा क्या 1/3 टू द पावर n क्यूब, ठीक है, माइनस 1/5 टू द पावर n टू द पावर 5 प्लस 1/7 टू द पावर n टू द पावर 7 माइनस कंटिन्यू होल टू द पावर a, ठीक है। अब एक काम करो यहाँ से 1/n क्यूब को हम कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा 1/n क्यूब, यहाँ पर क्या रहेगा 1/3 माइनस 1/5n स्क्वायर प्लस 1/7n टू द पावर 4 माइनस कंटिन्यू होल टू द पावर a। देखो यहाँ पर n क्यूब हमने कॉमन लिया, तो
n क्यूब होल टू द पावर a रहेगा, ठीक है, तो 1 by n टू द पावर 3a। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम एक bn एक मान लो, एक ये एक सीक्वेंस है bn, bn क्या है 1 by है सॉरी n टू द पावर 3a है, ठीक है bn है ये। तो देखो यहां पर हम एक काम ये करो, un by vn करेंगे, un by अगर हम vn करेंगे तो क्या आएगा 1 by 3 minus 1 by 5n square plus 1 by 7n to the power 4 minus up to infinity whole to the power a, ये रहेगा। ओके अच्छा, तो अगर हम at n tends to infinity करेंगे, at n tends to infinity करेंगे तो ये क्या आएगा 1 by 3 to the power a आएगा। ओके एंड ये 1 by 3 to the power a क्या है, ये तो not equals to 0 है। ओके तो देखो ये not equals to 0 है, इसका मतलब है un and vn, ये un and vn ये दोनों either converge और diverge होगा, together होगा। अगर vn convergent है तो un भी convergent होगा, अगर vn divergent है तो un भी divergent ही होगा, ठीक है। अब देखो u vn जो है वो convergent कब होगा, जब ये जो 3a है वो greater than 1 हो जाए तब, ठीक है। तो 3a greater than 1 है मतलब क्या है, a greater than 1 by 3, जब a greater than 1 by 3 होगा तब un भी convergent होगा, तो a का वैल्यू 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल 1 by 3, infinity, a का वैल्यू अगर इस इंटरवल पे रहा तब ये un convergent होगा, तो ऑप्शन नंबर d इज ट्रू। ओके ऑप्शन नंबर d इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला गया है a कंटेनर जो है वो कंटेनर a contains 100 cc of milk and कंटेनर b contains 100 cc of water, ठीक है, and 5 cc of the liquid in a is transferred to b, the mixture is thoroughly stirred and 5 cc of the mixture in b is transferred back into a, each such two-way transfer is called a dilution, then a and b the percentage of water in container a after n such dilutions with the understanding that a not equals to zero. So a mein diya gaya hai hame, prove that a1 equals to 100 by 21 and that in general n equals to 100 by 21 plus 19 by 21 into a n minus 1, n kya hai, n equals to 1 to 3 hai up to infinity, and b mein hame diya bola gaya hai using a prove that n equals to 50 into 1 minus 19 by 21 whole to the power n for n equals to 1 to 3 up to infinity। To chaliye dekhte hai, एंड हमें फाइंड करना होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n क्या है, एंड एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज इंट्यूटिवली ऑबवियस। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है ये जो a कंटेनर है यहां पर 100 सीसी मिल्क है, b कंटेनर पर 100 सीसी वाटर है, यह से a कंटेनर से हम 5 सीसी मिल्क हमने b कंटेनर पर मिक्स किया, ओके 5 सीसी, ओके तो यहां पर जो एक मिक्सचर बनेगा वाटर एंड मिल्क का, वो मिक्सचर क्या होगा, वो मिक्सचर होगा 100 प्लस 5 मतलब 105 सीसी का ये मिक्सचर होगा। ओके ठीक है, मिक्सचर जो होगा वो होगा 105 सीसी का। अच्छा लेकिन यहां पर जो वाटर रहेगा, वाटर तो है 100 सीसी का ही, ठीक है वाटर 100 सीसी का ही रहेगा। अच्छा अब देखो, अब हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे,
ये जो यहाँ पर बी कंटेनर पर जो 105 सीसी का जो मिक्सचर है, यहाँ से हम 5 सीसी मिक्सचर एक कंटेनर पर डाल देंगे, ठीक है? तो 5 सीसी, ठीक है, 5 सीसी ही डालेंगे, 5 सीसी डालेंगे तो यहाँ पर जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? देखो यहाँ से 100 सीसी से 5 सीसी हमने ले गया, ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क कितना रहा? 95 सीसी का हम यहाँ पर मिल्क रहा है, तो यहाँ पर हमने 5 सीसी बी से एम एल आया हमने, तो क्या होगा? 95 प्लस 5 मतलब 100 सीसी का मिक्सचर रहा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 5 सीसी यहाँ से हमने बी से एम एल आया, तो 5 सीसी में वाटर कितना रहेगा? ठीक है, देखो देखो 105 सीसी का जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना है? 100 सीसी, ठीक है, तो 5 सीसी का जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना रहेगा? 100 सीसी का जो मिक्सचर, 105 सीसी का जो मिक्सचर है उसमें वाटर है 100 सीसी, मतलब 5 सीसी का जो होगा वो होगा 5 इंटू 100 बाई 105, ये तो ये क्या होगा? इससे आप करोगे तो आएगा 21, मतलब 100 बाई 21 सीसी वाटर रहेगा, ओके। तो देखो ये 5 सीसी हमने ए पर मिक्स किया, ठीक है, तो ए पर जो 5 सीसी मिक्सचर मिक्स किया है हमने, 5 सीसी में वाटर क्या है? 100 बाई 21 सीसी, तो ठीक है, ए पर जो ये मिक्सचर है 100 सीसी का उसमें वाटर रहेगा 100 बाई 21 सीसी वाटर, इतना वाटर रहेगा, ओके। अच्छा देखो बी से तो ये 100 बाई 21 सीसी वाटर ए पर चला गया, ठीक है, तो बी पर वाटर कितना रहा? 100 माइनस 100 बाई 21 ये सीसी वाटर रहा, ठीक है। अच्छा तो बी पर देखो यहाँ से ऐसे हमने 5 सीसी यहाँ पर लाया एंड बी से 5 सीसी यहाँ पर मिक्स किया, ठीक है, तो इसे कहते हैं फास्ट डिल्यूशन, ओके। तो फास्ट डिल्यूशन में ए कंटेनर में वाटर रहा इतना, बी कंटेनर में वाटर रहा है इतना, ओके। तो आफ्टर फास्ट डिल्यूशन ए कंटेनर में वाटर कितना है? 100 बाई 21 सीसी, तो इसे कहते हैं, इसे क्वेश्चन में दिया गया है ए वन, ठीक है। तो फास्ट डिल्यूशन के पहले ए कंटेनर पे वाटर कितना था? वाटर नहीं था, तो इसे नाम दिया है ए नॉट इक्वल्स टू जीरो सीसी, या पर कोई भी वाटर कुछ भी वाटर यहाँ पर नहीं था, ये सीसी नहीं, ए वन इक्वल्स टू 100 बाई 21। अच्छा अब हम सेकंड डिल्यूशन करेंगे, देखो सेकंड डिल्यूशन कैसे करेंगे, ये जो ए कंटेनर से हम अब हम अगेन ए कंटेनर से 5 सीसी जो मिक्सचर है वो बी पर लाएंगे एंड देन बी कंटेनर से 5 सीसी मिक्सचर ए पर डालेंगे हम, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम अगेन 5 सीसी यहाँ पर डालेंगे 5 सीसी, तो देखो यहाँ पर जो 5 सीसी है उसमें वाटर कितना होगा? देखो यहाँ पर 100 सीसी में वाटर कितना है? 100 बाई 21, 100 सीसी पर 100 सीसी का जो मिक्सचर है उसमें वाटर है 100 बाई 21 सीसी, ओके। अच्छा तो 5 सीसी जो है, 5 सीसी में यहाँ पर जो हमने 5 सीसी ऐसे बी में लाया है हमने, 5 सीसी में वाटर कितना होगा? 5 सीसी में वाटर जो होगा वो होगा 100 बाई 21 इंटू 5 बाई 100 हो जाएगा, तो होगा दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 5 बाई 21 सीसी, ओके। इस 5 सीसी में वाटर है इतना, ओके। अच्छा अब देखो ये अमाउंट जो है वाटर का, ये 5 सीसी में इतना अमाउंट वाटर है,
ये अमाउंट हमने ए से बी पर ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ए में वाटर कितना था, ए में वाटर था, ए कंटेनर पर वाटर था 100/21 cc, यहाँ से 5/21 cc चला गया है, ओके। तो ए कंटेनर पर वाटर कितना रहा, 100/21 माइनस 5/21 cc, ये कहाँ पर है, ए कंटेनर पर, ओके। ए कंटेनर पर वाटर है इतना। अब देखो बी कंटेनर पर मिक्सचर, जो टोटल मिक्सचर होगा वो क्या होगा, बी कंटेनर पर पहले यहाँ से 5 cc, ए कंटेनर से 5 cc आया तो 100 से हो गया 105, एंड यहाँ से 5 cc चला गया तब रहा 100 cc, एंड अगेन यहाँ पर ए कंटेनर से 5 cc यहाँ पर आएगा तो होगा 105 cc होगा, टोटल मिक्सचर 105 cc होगा। अब देखो जो टोटल वाटर होगा बी में, बी में पहले वाटर था 100, इसके बाद यहाँ से 5 cc चला गया, 5 cc में वाटर है 100/21, तो 100 माइनस 100/21 cc यहाँ पर रहा था, लेकिन अगेन ऐसे 5/21 cc यहाँ पर बी में आया है, तो बी में टोटल जो वाटर होगा वो क्या होगा, टोटल वाटर 100 माइनस 100/21 प्लस 5/21 cc, ओके। इतना वाटर रहेगा बी में, देखो इतना वाटर रहेगा बी में, ओके। देखो बी में अभी जो टोटल मिक्सचर है वो है 105 cc का, ठीक है। 105 cc में वाटर है इतना, इतना सीसी वाटर है। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पर हमने ऐसे 5 cc यहाँ पर लाया, लेकिन अगेन हम बी से 5 cc हम ए पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो ये 5 cc बी से ए में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इस 5 cc में वाटर कितना होगा, बी में 105 cc में वाटर है इतना, तो ये 5 cc में वाटर कितना होगा, तो 5 cc में वाटर जो होगा बी में, बी से जो ए में जो 5 cc मिक्सचर जाएगा उसमें वाटर जो होगा वो होगा 105 cc में वाटर है इतना, तो 5 cc में वाटर होगा 100 माइनस 100/21 प्लस 5/21 इंटू 5/105 cc, ओके। अच्छा ये 5 cc कहा जा रहा है ए पर, ये 5 cc में वाटर है इतना, ओके। देखो ए कंटेनर ए में वाटर कितना था, इतना, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है ये वाटर, ठीक है। तो कंटेनर ए में टोटल वाटर जो होगा वो क्या होगा, टोटल वाटर जो होगा वो होगा दिस 100/21 माइनस 5/21 प्लस, इसे ऐड कर दो, 100 माइनस 100/21 प्लस 5/21 इंटू 5/105 cc, ओके, ठीक है। देखो ये है सेकंड डिल्यूशन, ओके। आफ्टर सेकंड डिल्यूशन ए में वाटर होगा इतना, ओके। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, तो करते हैं। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से 5 cc से कैंसिल करोगे तो आएगा 21, एंड यहाँ पर होगा 100/21, तो माइनस है 5/21 प्लस, यहाँ पर आएगा 100/21 माइनस 100/21 स्क्वायर प्लस 5/21 स्क्वायर। ये 100/21 को छोड़कर इन चार को एक साथ में ऐड करिए तो क्या आएगा, यह पर होगा 21 स्क्वायर, यह होगा माइनस 5/21 मतलब 105 प्लस, यह होगा 100/21 मतलब 2100 माइनस 100 होगा प्लस 5, ओके। तो यह आएगा 100/21
21 प्लस यह होगा 1900 बाय 21 स्क्वायर ओके दिस इक्वल्स टू 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू 100 बाय 21 ओके तो ये क्या है दिस इक्वल्स टू 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू ये क्या है 100 बाय 21 क्या है a1 ओके ये आफ्टर सेकंड डिल्यूशन a1 कंटेनर के अंदर वाटर इतना है ठीक है दिस इक्वल्स टू a2 ओके तो आफ्टर आफ्टर 3 डिल्यूशन आपको मिलेगा a3 इक्वल्स टू मिलेगा 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू a2 ओके तो इसी तरह अगर आप n तक करेंगे तो आफ्टर n डिल्यूशन आपको मिलेगा a n इक्वल्स टू 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू a n -1 ओके ये दोनों हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था ओके अब नेक्स्ट देखिए पार्ट बी में हमें ये प्रूफ करना होगा ओके ये हमें प्रूफ करना होगा ठीक है चलिए देखते हैं देखो हमें a n क्या मिला था ये देखो a n हमें मिला था 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू a n -1 ओके तो यहां पर a n -1 क्या मिलेगा हमें 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू a n -2 ओके तो a n -2 क्या मिलेगा 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू a n -3 ठीक है अच्छा तो a2 भी आपने देखा है a3 देखा a2 देखा है a1 आपने देखा है ओके a2 था 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू a1 ओके अच्छा तो देखो an को a यहां पर an में तो 100 बाय 21 है अच्छा ठीक है 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू an -1 के जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो ओके तो क्या आएगा 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू an -2 ओके तो an-2 के जगह an-2 का जो वैल्यू है वो पुट कर दो तो क्या आएगा 100 बाय 21 प्लस 19 बाय 21 इनटू an-3 ओके तो देखो यहां से हम एक काम कर सकते हैं 100 बाय 21 को कॉमन ले लेते हैं ठीक है 100 बाय 21 इनटू 1 प्लस यहां पर होगा 19 बाय 21 प्लस यहां पर होगा 19 बाय 21 इनटू 19 बाय 21 19 बाय 21 होल स्क्वायर एंड प्लस 19 बाय 21 इनटू 19 बाय 21 इनटू 19 बाय 21 मतलब 19 बाय 21 होल क्यूब an-3 ओके यहां पर देखो हमने क्या लिया था यहां पर हमने an an-1 and an -2 को ही ऐड किया ओके तो अगर हम an an-1 an-2 an-3 up to a2 तक हम ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा क्या a1 आएगा an-2 तक किया इसलिए an-3 तक आया तो a2 तक करेंगे तो a2-1 मतलब a1 तक आएगा ठीक है तो देखो यहां पर क्या आएगा 100 बाय 21 इनटू 1 प्लस
19/21 plus 19/21 whole square plus 19/21 whole cube up to plus 19/21 whole to the power. देखो यहाँ पर जब a 1 होगा, a 1 मतलब क्या है, a n minus n minus 1, okay? तो जब यहाँ पर n minus 1 होगा तब इसका पावर 19/21 का पावर होगा n minus 1, ठीक है? अच्छा, तो this equals to 100/21, इसे आप 19/21 का पावर देखो 19/21 का पावर n तक भी ले सकते हो, तब लोगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा a not, a not क्या है, 0 है, तो इसलिए 19/21 का पावर n लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तो this equals to क्या है, 100/21 into 1 minus 19/21 whole to the power, कितना एलिमेंट है यहां पर, n by 1 minus 19/21, ओके? तो this equals to क्या आएगा, देखो इसे करोगे 1 minus 19/21 मतलब 2/21, 21 से 21 cancel, 100/2 मतलब 50, 50 into 1 minus 19/21 whole to the power n, ओके? ये आ गया a n. अब देखो at n tends to infinity पर, limit n tends to infinity पर a n क्या आएगा, 50 into ये क्या आएगा, 1 minus 19/21, ये 1 से छोटा है, whole to the power infinity होगा, तो 0 हो जाएगा, this equals to 50, ठीक है? तो देखो at the end time दोनों ही container में same equal quantity का ही water रहेगा, ठीक है? Question number 17 a में हमें बोला गया है, summation n equals to 1 to infinity f m comma n equals to am is convergent and has sum am, and further the series summation m equals to 1 to infinity am is convergent and has sum l. तो हमें प्रूफ करना क्या है, summation m equals to 1 to infinity f m comma n is convergent, and if we denote its sum by bn, the series summation n equals to 1 to infinity bn is also convergent as and has sum l. देखो ये इसे हम यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन बोथ साइड पे समेशन ले रहे हैं, ठीक है? समेशन m equals to 1 to infinity, समेशन n equals to 1 to infinity f m comma n equals to समेशन m equals to 1 to infinity, हमने बोथ साइड पर समेशन लिया है, ठीक है? अच्छा, तो this equals to क्या है, हमें l दिया गया है, ठीक है? अच्छा, तो देखो ये जो है, this is converge to L, ठीक है? ये L पर converge कर रहा है, ये convergent है, ठीक है? इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे ये जो summation है दोनों, इन दोनों को हम interchange कर सकते हैं, summation m equals to 1 to infinity f m comma n equals to l, ठीक है? मान लो ये इसका हमने नाम दिया b n, ठीक है? तो ये पर क्या है, summation n equals to 1 to infinity this equals to क्या होगा, l, ठीक है? तो b n l पर converge कर रहा है, ओके? एंड तो ये convergent हो गया, एंड इसका हमने नाम दिया b n, तो समय this is ये देखो, अगर ये convergent जरूर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो है ये l पर converge हो रहा है, इसका मतलब ये भी तो convergent होना जरूरी है ना, ठीक है? इसका हमने नाम दिया गया b n, तो this is ये जो है summation m equals to 1 to infinity f m n equals to b n, ये भी convergent ही होगा, ओके? Question number 17 b में हमें दिया गया है,
fmn equals to 0 जब m greater than m and जब n less than m तब minus 1 by 2 to the power m minus n and जब n equals to m है तब 1 है ठीक है तो हमें प्रूफ करना क्या है summation m equals to 1 to infinity summation n equals to 1 to infinity fmn equals to 2 and summation n equals to 1 to infinity summation m equals to 1 to infinity fmn equals to 0 ओके देखो तो summation m equals to 1 to infinity summation n equals to 1 to infinity fmn क्या होगा पहले हम इसे देखते हैं ओके अच्छा तो summation m equals to 1 to infinity इसे ब्रेक करो n equals to 1 to infinity को तो क्या आएगा f m comma 1 plus f m comma 2 plus f m comma 3 plus up to infinity ओके अच्छा अब क्या करोगे हम अब हम क्या करेंगे इसे यहाँ पर m के जगह 1 2 3 पुट करेंगे f 1 comma 1 ओके पहले इसे देखते हैं इसके जगह इसके बाद f 2 comma 1 plus f 2 3 comma 1 ओके अप टू इनफिनिटी इसके बाद इसे f 1 comma 2 plus f 2 comma 2 plus f 3 comma 2 up to infinity इसके बाद इसे f 1 comma 3 plus f 2 comma 3 plus f 3 comma 3 up to infinity तक ओके अच्छा तो यहाँ भी infinity तक चलता जाएगा ठीक है and this equals to क्या आएगा देखो f 1 1 मतलब n equals to m ये क्या होगा 1 होगा plus 2 1 ये था m ये था n m greater than n आ रहा है m greater than n तो ये आएगा यहाँ पर आएगा क्या minus 1 by 2 to the power m minus n m क्या है 2 n है 1 तो 2 minus 1 मतलब 1 आएगा ठीक है 2 minus 1 and ये क्या है 3 my f 3 comma 1 m comma n है 3 3 m greater than है n से तो आएगा minus 1 by 2 to the power 3 minus 1 ठीक है minus इस तरह से चलता जाएगा ठीक है इसके बाद इसे देखो यहां पर क्या आएगा देखो यहां पर प्लस होगा प्लस होगा प्लस m comma n m less than n है तो ये आएगा 0 है 2 comma 2 है तो दोनों m n a m सेम आ रहा है तो इसलिए 1 हो जाएगा ठीक है 3 comma 2 m greater than n आ रहा है तो होगा क्या minus 1 by 2 to the power m minus n m है 3 3 minus 2 minus up to infinity तक ठीक है इसके बाद देखो ये क्या होगा plus m comma n n greater than m आ रहा है तो 0 होगा ये भी यहाँ पर भी n greater than m आ रहा है तो 0 होगा ये दोनों 3 3 equal हो रहा है तो 1 होगा इसके बाद जो आएगा 3 comma sorry 4 comma 3 आएगा तो इसलिए यहाँ पर आएगा 1 minus 1 by 2 to the power 4 minus 3 minus up to infinity ठीक है तो इस तरफ भी यहाँ भी infinity तक चलता जाएगा ठीक है अच्छा तो देखो यहाँ पर क्या आया है यहाँ पर आया है 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 square minus इसके बाद आएगा जो 1 by 2 क्यूब माइनस अप टू इनफिनिटी ओके ठीक है एंड प्लस ये क्या है 1 माइनस 1 बाय 2 इसका पद आएगा माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 क्यूब माइनस अप टू इनफिनिटी तक आएगा ठीक है इसके बाद जो आएगा ये
ये क्या है 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 square आएगा minus 1 by 2 cube आएगा minus up to infinity तक चलता ही जाएगा ओके अच्छा अब देखो ये क्या है ये जो है इसे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 minus half into आएगा into 1 by आएगा 1 by 1 minus half ये पर रिशो जो है वो half है अच्छा तो ये होगा and ये भी होगा same ये भी this यही होगा ये भी यही होगा okay तो देखो ये क्या है 1 minus half into 1 by 1 minus half अच्छा इसके बाद ये इनफिनिटी तक चलता है जाएगा एंड प्लस ये क्या है 1 minus half into 1 by 1 minus half plus up to infinity ओके तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस यहां पर होगा 1 by half half से half कैंसिल 1 प्लस 1 माइनस सॉरी half नहीं 1 माइनस 1 प्लस अप टू इंफिनिटी यहां पर तो ये होगा 0 0 प्लस 0 अप टू 0 इसका सम जो होगा वो 0 हो जाएगा ओके अब देखो इसे हमें देखना है ये क्या आता है ये क्या आएगा समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी इसे ब्रेक करो m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी को आएगा क्या f 1, n प्लस f 2, n प्लस f 3, n अप टू इंफिनिटी तक ठीक है तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा इसे देखो पहले f 1, 1 प्लस f 1, 2 प्लस f 1, 3 अप टू इंफिनिटी अब इसे देखो f 2, 1 प्लस f 2, 2 प्लस f 2, 3 अप टू इंफिनिटी अब इसे देखो f 3, 1 प्लस f 3, 2 प्लस f 3, 3 इसके बाद आएगा f 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक यह भी इंफिनिटी तक चलता ही जाएगा ओके अब देखो यहां पर n n m दोनों सेम है तो ये होगा 1 ओके इसके बाद यहां पर m जो है वो लेस देन है n से तो इसलिए ये हो जाएगा 0 सिमिलरली यहां पर भी 0 ही हो जाएगा अप टू इंफिनिटी तक ये 0 ही चलता जाएगा ठीक है अब देखो इसे देखो f 2, 1 m क्या है ग्रेटर देन n है तो क्या आएगा यहां पर माइनस आएगा अच्छा ये प्लस होगा माइनस 1 by 2 to the power m minus n m क्या है 2 minus n n है 1 and यहां पर दोनों सेम है तो हो जाएगा 1 यहां पर ये क्या है m less than n है प्लस 0 हो जाएगा अब 2 इनफिनिटी तक 0 ही चलता जाएगा इसके बाद यहां पर n जो है वो greater than m जो है वो greater than n है इसलिए minus 1 by 2 to the power 3 minus 1 होगा plus यहां पर होगा m भी greater than n है तो minus 1 by 2 to the power 3 minus 2 होगा plus ये दोनों सेम है 1 हो जाएगा इसके बाद जो आएगा वो सभी 0 आ जाएगा ठीक है इस तरह infinity तक चलता ही जाएगा ओके अब देखो इसे अगर हम add करेंगे तो क्या आएगा ये है 1 प्लस यहां पर होगा 1 माइनस होगा हाफ प्लस यहां पर क्या होगा 1 माइनस ये हो है हाफ माइनस 1 by 2 स्क्वायर ओके प्लस इनफिनिटी तक चलता जाएगा तो ये क्या है 1 प्लस 1 माइनस हाफ है हाफ तो इसे ये है 1 माइनस हाफ है हाफ माइनस 1 by 2 स्क्वायर होगा 1 by 2 स्क्वायर अप टू इनफिनिटी तक ओके दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1 by 1 minus half दिस इक्वल्स टू 2 यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला गया है fn जो फंक्शन है वो i इंटरवल पर यूनिफॉर्मली बाउंडेड है एंड 28a में हमें बोला गया है fn कन्वर्ज करेगा f पर एंड fn यूनिफॉर्मली बाउंडेड है i पर तो f जो है वो बाउंडेड होगा i पर तो चलिए देखते हैं देखो ये हमें दिया गया है fn जो है f पर कन्वर्ज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है
mod fn x minus fx less than epsilon होगा, ठीक है? For all x belongs to I and for all n greater equals to n not एक real number, natural number है, ठीक है? And this अच्छा देखो, अब देखो हमें fx bounded दिखाना है I पर, तो mod fx को हम इस तरह से लिख सकते हैं fx minus fnx plus fn x, ठीक है? तो this less equals to हम इस तरह से लिख सकते हैं mod fx minus fnx plus mod fnx, ओके? लिख सकते हैं, देखो ये less than epsilon है, तो ये less than epsilon है, less than epsilon plus और ये क्या है? less equals to m है, ठीक है? तो मान लो जिस epsilon plus m equals to m, तो mod fx less than m हो रहा है, तो ये bounded है, f bounded है, मिल गया है हमें। and 28b में हमें बोला गया है fn and gn both uniformly bounded है I interval पर and fn uniformly convergent है, f पर convert कर रहा है and gn भी uniformly convert कर रहा है g पर, interval जो है I है, तो हमें fn into gn दिखाना है कि ये fg पर uniformly convert करेगा, okay? and हमें एक example के थ्रू दिखाना है fn and gn fn and gn में से अगर एक भी uniformly bounded नहीं होता है तब ये fn into gn fg पर uniformly convergent नहीं होगा। देखो fn fx पर uniformly converge हो रहा है, इसका मतलब ये है fn mod fnx minus fx less than epsilon and mod gnx minus gx less than epsilon, ओके? अच्छा, तो mod हमें fn into gn को देखना है, x minus fg x, इसे देखो, ये क्या होगा? fn x into gn x minus fx into gx, तो this equals to mod fn x into gn x minus fn x into gx plus fn x into gx minus fx into gx, तो देखो यहां से हम fnx को कॉमन ले सकते हैं, mod fnx into gnx minus gx रहेगा यहां पर, ठीक है? प्लस यहां से हम gx को कॉमन ले सकते हैं, तो रहेगा क्या? fnx minus fx, ओके? अच्छा, अब this less equals to हम लिख सकते हैं mod fnx mod gnx minus gx plus mod gx mod fnx minus fx, ओके? अच्छा, अब देखो mod gnx minus gx less than epsilon mod fnx minus fx less than epsilon है, ओके? देखो यहां पर हमें गिवन है कि fn जो है uniformly bounded on I है, तो ठीक है, तो mod fn x मान लो less than m1 है, ओके? And gn uniformly bounded है on I पर and gn है uniformly converge कर रहे g पर, तो mod जो g होगा, sorry g जो होगा gx g ये भी bounded होगा, तो mod gx less than मान लो m2 है, ये हमने कैसे बोला? g भी bounded होगा क्योंकि इसके पहले जो हमने problem किया था उसको देखो, उसमें हमें बोला गया था fn uniformly converge कर रहा है f पर and fn uniformly bounded है, तो f bounded है, इस तरह से हम कह सकते हैं g भी bounded होगा, okay?
तो देखो this less than m into ये क्या है less than epsilon plus ये है m1 m2 into epsilon एक काम करो इसे आप epsilon by 2 m1 कर दो इसे epsilon by 2 m2 कर दो तो this equals to क्या आएगा epsilon तो mod this less than epsilon इसका मतलब क्या है जो fn into gn है fg पर uniformly converge हो रहा है ओके देखो अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि fn x जो है वो मान लो uniformly bounded नहीं है and gn x जो है वो uniformly bounded है fn x को हम लेते हैं n into x to the power n and gn को लेते हैं 1 by n x कहां पर बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1.2 पर ठीक है x यहां पर भी x बिलोंग कर 1.2 पर अच्छा देखो ये क्या यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा नहीं होगा देखो एट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर x क्या है 1 से 2 पर है एट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर fn x इंफिनिटी पर टेंड कर जाएगा तो इसका मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कैसे होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा तो दिस इज नॉट सॉरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हम यूनिफॉर्मली बाउंडेड की बात कर रहे हैं एट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी पर टेंड कर जाएगा तो ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं होगा एट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये 0 पर टेंड करेगा ये इंफिनिटी पर कभी नहीं टेंड करेगा क्योंकि n क्या है n जो है वो नेचुरल नंबर पर बिलोंग कर रहा है ये हमेशा फाइनाइट होगा तो ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाएगा ओके तो अब देखो fn into gn जो है fn into gn करोगे तो क्या आएगा x to the power n ठीक है at n tends to infinity पर ये infinity पर tend कर जाएगा तो ये तो uniformly bounded नहीं हुआ ठीक है यही हमें दिखाना था कि fn and gn दोनों में से एक भी अगर uniformly bounded ना हो जाए तब fn into gn uniformly bounded नहीं हो सकता है